मेरे प्रिय छात्रगण और हमारे दोस्तों, आज मैं स्वरूप सर जेपीएससी पीटी पेपर 2 के सिलेबस का एक पार्ट झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के चैप्टर को लेकर हाजिर हैं। छात्रगण, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जिसकी स्थापना झारखंड राज्य की 15 नवंबर सन 2000 को हुई, अभी तक भारत के इतिहास में किसी राज्य के गठन का यह सबसे लंबा आंदोलन माना जाता है, जिसको पूरा होने में 90 वर्ष का समय लगा। आज तक भारतीय इतिहास में इतने लंबे संघर्ष के बाद किसी राज्य के गठन का परिणाम नहीं आया जैसा झारखंड के संदर्भ में आया। छात्रगण, झारखंड राज्य का निर्माण की सुगबुगाहट तो उसी दिन से प्रारंभ हो गई थी जिस दिन से, जिस वर्ष से बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दी गई थी, जब झारखंड बिहार के साथ था। तो देखा जाए तो यहां इसे दक्षिणी बिहार या दक्षिणी छोटनागपुर के नाम से पुकारी जाती थी जब बिहार के साथ था। उस समय भी शुरुआत इसकी आंदोलन की होना प्रारंभ हुआ था, जिसके कई कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं कि इसे क्यों बिहार से अलग होने की संघर्ष लोगों के द्वारा किया गया। छात्रगण, जब ये बिहार के साथ अटैच था तो इसे छोटनागपुर पठार के नाम से पुकारी जाती थी। देखा जाए तो जब ये बिहार के साथ था तो उस समय भी इसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इसकी अपनी आदिवासियों की राजनीतिक एकदम उत्तरी बिहार से अलग थी। आदिवासियों की बहुलता थी, सदान थे, इनकी अपनी सोशल लाइफ थी जो उत्तरी बिहार से बिल्कुल अलग थी, इनकी अपनी एक धार्मिक भावना थी, इनकी अपनी एक व्यवस्था थी शासन करने की जो उत्तरी बिहार से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं था या बिल्कुल उससे अलग था। तो देखा जाए छात्रगण, तो मैं समझता हूं उत्तरी बिहार से ईश्वरनागपुर का सामाजिक रूप में, आर्थिक पेशा के रूप में, अपने धर्म के रूप में, समाज के रूप में, उनके अपने शासन व्यवस्था जो होती थी आदिवासियों के, उस संदर्भ में वो बिहार से अलग था। इसके अलावा इनकी अपनी एक कल्चर थी, अपनी संस्कृति थी, एक अपनी अलग भाषा थी आदिवासियों की, यहाँ के सदानों की, जो बिहार से बिल्कुल भी अलग था। मैं समझता हूँ इन सब कारणों से प्रारंभ से ही छोटनागपुर बिहार से अलग होने की प्रयास कर रहा था, जिसको पूरा होने में 90 वर्ष का समय लग गया। जब आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि झारखंड के आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कैसा प्रदेश है, तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ गया होगा कि ये उत्तरी बिहार से बिल्कुल अलग है। इन सब कारणों से बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। तो छात्रगण, झारखंड राज्य निर्माण का श्रेय देखा जाए या झारखंड राज्य निर्माण का जन्मदाता अगर कोई है
तो जे बार्थोलेमेन को माना जाता है, अर्थात झारखंड राज निर्माण के जन्मदाता जे बार्थोलेमेन को माना जाता है, जिसका संबंध यद्यपि चाईबासा से था, परंतु जे बार्थोलेमेन के द्वारा झारखंड राज निर्माण का इसे जन्मदाता माना जाता है। जब इन्होंने ढाका से, वर्तमान बांग्लादेश के ढाका से इसका बीजारोपण शुरू किया, कहने का ये अर्थ है झारखंड पृथक राज निर्माण के जन्मदाता का व्यक्तित्व जो अगर कोई है तो है जे बार्थोलेमेन। उन्होंने झारखंड अलग राज्य के निर्माण का बीजारोपण अगर कहीं किया तो वर्तमान बांग्लादेश के ढाका से किया, और उन्होंने ढाका विद्यार्थी परिषद, ढाका विद्यार्थी परिषद की स्थापना की, और उस ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज में 1910 में स्थापित की, और उसकी एक शाखा 1912 में रांची में स्थापित की। किसने? जे बार्थोलेमेन ने झारखंड राज्य के बीजारोपण की शुरुआत वर्तमान बांग्लादेश के ढाका से की। उन्होंने ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज में 1910 में, और उसकी एक शाखा उन्होंने 1912 में रांची में स्थापित की। बाद में उन्होंने 1912 में रांची में क्रिश्चियन अश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन अश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में रांची में भी की। देखिए छात्रगण, ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा उन्होंने हजारीबाग के रांची के सेंट कोलंबस कॉलेज में 10 में की, तत्पश्चात उन्होंने 1912 में रांची में भी एक शाखा स्थापित की, किसकी? ढाका विद्यार्थी परिषद का, और बाद में उन्होंने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और प्रारंभ में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन था उसका उद्देश्य आदिवासियों का हितों की रक्षा करना था। मतलब कहने का ये अर्थ है कि इस क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी, इसका प्रारंभिक उद्देश्य आदिवासियों की मदद करना था, उनका हेल्प करना था। बाद में इस क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1912 में किया गया, इसका नाम बदलकर 1915 में कर दिया गया झारखंड उन्नति समाज, ऐसे उस समय का नाम दिया गया छोटा नागपुर उन्नति समाज, मतलब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम बदलकर 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। और ये जो बनाया गया पहला संस्था, पहला समाज, देखा जाए तो झारखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन में ये पहला अंतर जातीय आदिवासी संगठन था, मतलब इसमें आदिवासियों के अलावा अन्य लोगों का भी योगदान था। किसका? नागपुर उन्नति समाज के, जिसके स्थापना में जुएल लकड़ा, पाल उराव, बंदी राम उराव, ठेबले उराव
इत्यादि बहुत व्यक्तियों का योगदान था। और इसी थुनागपुर 29 समाज के द्वारा सबसे पहला सुनियोजित झारखंड निर्माण की मांग 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत की। छात्रगण, झारखंड राज्य निर्माण की प्रथम सुनियोजित मांग किस संस्था के द्वारा किया गया, तो उसका उत्तर होगा थुनागपुर 29 समाज। इसने साइमन कमीशन के समक्ष 1928 में अलग झारखंड राज्य निर्माण की बात की मांग रखी। यद्यपि साइमन कमीशन इसकी मांग को मान लिया, परंतु भारत सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। लेकिन प्रश्न आएगा अगर कि झारखंड राज्य निर्माण का सबसे पहला मांग एक सुनियोजित वास्तविक तरीका से कौन से समाज ने किया, कौन सी संस्था ने किया, तो उसका उत्तर होगा छुटनागपुर 29 समाज। जो ये किसका रूप था, तो इसका उत्तर होगा क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही एक भाग था, उसी का नाम बदल के कर दिया गया छुटनागपुर 29 समाज। स्थापना 1915 में हुआ। तत्पश्चात अलग राज्य के आंदोलन की बात इस समाज द्वारा होता गया। बाद में 1930 में एक व्यक्ति हैं ठेबले उरांव, बाद में 1930 में इस आंदोलन की कड़ी में ठेबले उरांव द्वारा 1930 में किसान सभा की स्थापना की गई, किसान सभा। और 1933 में 1933 में इसी कड़ी में झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता एक हैं बोनीफेस लकड़ा, बोनीफेस लकड़ा, झारखंड मांग के संदर्भ में 1930 में ठेबले उरांव ने किसान सभा और 1933 में बोनीफेस लकड़ा ने छुटनागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कर दी। और यह भी किसान सभा कैथोलिक सभा का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड अलग राज्य के निर्माण के संदर्भ में ही मानी जाती है। यद्यपि बाद में 1935 में 35 में बाद में 1935 में देखा जाए तो ये किसान सभा का विलय कर दिया गया छुटनागपुर 29 समाज में। कब? 1935 में। और ऐसे में झारखंड आंदोलन एक बार पुनः और जोर पकड़ना प्रारंभ किया। मतलब 1935 में किसान सभा का विलय छुटनागपुर 29 समाज में कर दिया गया। इसी संदर्भ में 1938 में विभिन्न आदिवासी नेताओं और विभिन्न प्रमुख आदिवासी नेताओं और अन्य नेताओं के द्वारा, या बोल सकते हैं झारखंड के विभिन्न नेताओं के द्वारा 1938 में रांची के हिंद पीढ़ी में स्थापना किया गया आदिवासी सभा का, आदिवासी सभा। कब? 1938 में विभिन्न नेताओं के द्वारा, विभिन्न आदिवासी नेताओं के द्वारा रांची के हिंद पीढ़ी में 1938 में आदिवासी सभा का गठन किया गया। यद्यपि इसका पूरा नाम है छुटनागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, शॉर्ट में से आदिवासी सभा बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है छुटनागपुर संथाल
परगना आदिवासी सभा। स्थापना 1938 में रांची के हिंदपीढ़ी में की गई। बाद में रांची में ही, मतलब कहने का ये अर्थ है, जो आदिवासी सभा था चुनागपुर 29 समाज का अब नाम चेंज हो गया। अर्थात विभिन्न आदिवासी नेता, विभिन्न झारखंड के नेताओं ने एक बैठक करके चुनागपुर 29 समाज का नाम बदलकर आदिवासी सभा कर दिया गया। और सबसे युगांतकारी घटना थी कि 1939 में रांची में पुनः आदिवासी सभा की बैठक हुई और इसका नाम अब चेंज कर दिया गया और बना गया आदिवासी महासभा। अब नाम चेंज हो गया, इसका नाम अब आदिवासी महासभा कर दिया गया। यहां तक था आदिवासी सभा, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे थियोडेर सुरीन। आदिवासी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसका नाम आएगा थियोडेर सुरीन, और बंदी राम उराव को उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी घटना है कि जब 1939 में आदिवासी सभा की पुनः बैठक हुई और नाम पड़ गया आदिवासी महासभा, और ये ऐसी घटना है जब जयपाल सिंह मुंडा, जिसे मरांग बम के कहते हैं, उनका इसमें आगमन हुआ 39 में, और उन्हें आगमन के साथ ही 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छात्रगण, उनका आगमन होता है 1939 में इस आदिवासी महासभा की बैठक में, और उन्हें आदिवासी महासभा का 39 में अध्यक्ष चुन लिया गया। और यहां से झारखंड आंदोलन पुनः गति और गति की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो गया। यद्यपि देखा जाए तो बाद में इसी संदर्भ में जब ये इस संदर्भ में अध्यक्ष बन गए, तो कुछ सालों के बाद, सात सालों के बाद 1946 में, 1946 में संविधान निर्माण हेतु चुनाव हुआ। 1946 में संविधान के निर्माण हेतु देखा जाए तो एक चुनाव, संसदीय चुनाव हुआ। इसमें आदिवासी महासभा को, इस महासभा ने भी भाग लिया था, केवल 3 सीटें प्राप्त हुई, ओनली 3 सीट्स पर जीत हुई। और दुर्भाग्य से चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा भी खड़ा हुए, परंतु वे चुनाव हार गए। एक व्यक्ति थे पूर्णचंद्र मित्रा ने जयपाल सिंह मुंडा को 1946 के संसदीय चुनाव में हरा दिया गया। छात्रगण, इसके पश्चात गति की ओर यह अग्रसर था झारखंड निर्माण आंदोलन को लेकर, और 1950 में, बाद में 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर दी। कौन पार्टी? झारखंड पार्टी की स्थापना कर दी। तो झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो उसका उत्तर होगा 1950 में हुई। किसने किया? जयपाल सिंह मुंडा ने किया। कहां पर किया? जमशेदपुर में उन्होंने आदिवासी महासभा को बदलकर, या उसका नाम बदलकर, या उसके स्थान पर 1950 में जमशेदपुर में झारखंड पार्टी की स्थापना की, जिसका चिन्ह रखा गया मुर्गा छाप। कौन छाप? मुर्गा छाप। जिसका चिन्ह रखा गया मुर्गा छाप था। तो झारखंड पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे है? तो उसका उत्तर होगा 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने। किसका नाम चेंज किया? तो उसका उत्तर होगा आदिवासी महासभा। छात्रगण, इसी संदर्भ में
जब ये स्थापना हुआ झारखंड पार्टी का, तब आजादी के बाद पूरे देश का पहला चुनाव 1952 में किया गया पूरे देश में। और उस चुनाव में बिहार विधानसभा के चुनाव में जब झारखंड पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा किया तो इसके 33 प्रत्याशी 1952 बिहार विधानसभा में जीत कर आए और प्रथम विपक्षी पार्टी होने का श्रेय प्राप्त किया गया। और जब प्राप्त किया गया तो उस समय सुशील कुमार बागे को प्रथम बिहार विधानसभा का विपक्ष का नेता बनाया गया जब 33 सीट जीत गया। बाद में 1957 1962 में भी 57 में 32 सीटें और 62 में 20 सीटें पर पुनः ये झारखंड पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था, जिसके मेन जिसके प्रमुख जयपाल सिंह मुंडा थे, इस पार्टी के द्वारा प्रारंभ में 33 फिर 30 फिर 32 और फिर 20 प्रत्याशी इनके जीत कर बिहार विधानसभा में पहुंचे। निश्चित तौर पे अब ये आंदोलन बहुत ही जोर पकड़ रहा था, लेकिन 1963 में तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा, जो कांग्रेस पार्टी की पहल पर उन्होंने झारखंड उसकी पहल पर जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में करवा दिया गया। यद्यपि विनोदानंद झा का तो था जरूर रोल झारखंड पार्टी को कांग्रेस से विलय करवाने का, लेकिन इसमें रोल अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पत्नी जहां आरा का भी बहुत बड़ा हाथ था। और 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया, जो राज के निर्माण के आंदोलन में अचानक जो गति थी एकदम शिथिल पड़ गई, एकदम ये रुकावट उत्पन्न हो गई, बाधा उत्पन्न हो गई जब इस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया 1963 में। उसी बिहार विधानसभा के में मंत्री के रूप में विनोदानंद झा ने उन्हें जयपाल सिंह मुंडा को सामुदायिक मंत्री का एक पद भी दिया था। छात्रगण, ये सबसे बड़ी रुकावट थी जब झारखंड पार्टी का 1963 में कांग्रेस में विलय करवा दिया गया विनोदानंद झा की पहल पर, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से इनकी पत्नी जहां आरा का बहुत बड़ा रोल था। जैसे विलय हुआ झारखंड राज्य निर्माण की गति एकदम शिथिल पड़ गई, यद्यपि शिथिल पड़ने के पश्चात भी बहुत छोटे छोटे आंदोलन भी होते रहे और इसके लिए विभिन्न पार्टियों का गठन भी होता रहा। जैसे उसी दौरान 1967 में बागुन सुमरई ने अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की। बाद में 68 में कार्तिक उराव ने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। बाद में 1965 में ललित कुजूर ने बिरसा सेवा दल की स्थापना की। तो छात्रगण, देख रहे हैं आप कि भले ही 63 में विलय हो गया, लेकिन इसको आंदोलन को गति देने के लिए छोटे छोटे संगठन पार्टी बनती रही। जैसे मैंने बताया 1965 में ललित कुजूर ने बिरसा सेवा दल, 1967 में बागुन सुमरे ने अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, 1968 में कार्तिक उराव ने आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। बाद में देखा जाए तो 1963 से लेकर 1973 तक झारखंड निर्माण का एक अवकाश काल था, 10 साल गति में कोई
ज्यादा आंदोलन नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन 1973 में दो व्यक्ति उभर कर आए और वो दो व्यक्ति है विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। शिवाजी समाज, शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो, शिवाजी समाज के, शिवाजी समाज, शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो और सोनेत समाज के शिबू सोरेन। बाद में 1973 में जो 10 सालों का अवकाश काल था झारखंड राज्य निर्माण के संदर्भ में, अब पुनः गति प्रारंभ हो गई जब 1973 में शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो और सोनेत समाज के संस्थापक शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, उसकी स्थापना 1973 में इन दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया और झारखंड आंदोलन जो 10 सालों का एक अवकाश काल था पुनः बहुत जोर की गति पकड़ना प्रारंभ हुई। कब? 1973 में, जब इन दोनों के द्वारा JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को बनाया गया, जबकि प्रथम महासचिव बनाया गया किनको? शिबू सोरेन को। और बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब स्थापना हुआ तो इस पार्टी के द्वारा 4 लक्ष्य रखे गए, 4 लक्ष्य। पहला, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, अलग राज निर्माण के लिए संघर्ष, विस्थापितों के लिए पुनर्वास और वन कानून के खिलाफ कार्रवाई। देखिए छात्रगण, जब स्थापना होती 73 में तो इस पार्टी के द्वारा 4 लक्ष्य रखा गया। पहला लक्ष्य रखा गया क्या? महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष। महाजन लोग सूद देकर करते थे शोषण, संघर्ष, झारखंड राज्य निर्माण का संघर्ष, पश्चात विस्थापितों के लिए पुनर्वास और वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई का आंदोलन। ये 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए किसके द्वारा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। और इस लक्ष्य से झारखंड राज्य निर्माण की गति बहुत जोरों से प्रारंभ हो गई। बाद में मांग होती रही, विधेयक पेश होते रहे बिहार विधानसभा में और अस्वीकृत भी होते गए, परंतु आंदोलन कहीं भी गति कम नहीं हुई। इसी संदर्भ में बाद में 1987 में रामगढ़ में झारखंड समन्वय समिति का एक सम्मेलन हुआ। मतलब कहने का यह अर्थ है 1987 में झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन से संबंधित मजबूती प्रदान के लिए सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल एक मंच पर हाजिर हुए और मंच पर हाजिर होने के बाद एक संस्था निर्माण किया, उसका नाम था, कमेटी बना, झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ जिसमें 25 सदस्य कमेटी गठन हुआ, जिसके प्रथम संयोजक बनाए गए विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। आंदोलन फिर चलता रहा। इसी दौरान भाजपा ने फर्स्ट टाइम 1988 में 18 जिलों को लेकर वनांचल की मांग रखी। वनांचल कहने का ये अर्थ है, वनांचल झारखंड का ही एक नाम है वनांचल। इसी संदर्भ में 1988 में बीजेपी ने पहली बार 18 जिलों को मिलाकर
प्रांचल राज निर्माण का आंदोलन प्रारंभ किया। बाद में बिहार विधानसभा ने इसके उग्र आंदोलन को देखते हुए झारखंड के नेताओं का उग्र आंदोलन जो चल रहा था, इसी संदर्भ में 7 अगस्त 1995 को जैक अर्थात झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना बिहार विधानसभा के द्वारा या बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 7 अगस्त 1995 को किया गया। क्या नाम दिया गया? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। स्थापना 7 अगस्त 1995, जिसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया। और इस परिषद में 162 सदस्य थे, जिसमें 18 सदस्य को नॉमिनेट किया गया, जिसे सौंपा गया कि आपको कैसे काम करना है झारखंड पर। इस विषय पर वो स्थापना किया गया था इस परिषद का, परंतु सिर्फ बोलने की बात थी, इसका कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बाद में देखा जाए तो 9 अगस्त 1995 को जिसका एक अन्य नाम जैक है, वही झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की स्थापना जब हो गई 95 में, तो बाद में ये आंदोलन और जोर पकड़ा। और इसी संदर्भ में देखा जाए तो 1986 में आसाम की तर्ज पर आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ASU के तर्ज पर सूर्य सिंह बेसरा ने 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना कर दी। और ये संगठन खून के बदले खून का नारा दिया, अर्थात झारखंड आंदोलन अब और गति पकड़ लिया, जब 1986 में सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू की तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना किसने की? सूर्य सिंह बेसरा ने, जिसने खून के बदले खून की नारा दिया। ऐसे में गति और ये पकड़ना प्रारंभ हो गया। यद्यपि इस गति को कम करने के लिए, अन आंदोलन को कम करने के लिए ही 9 अगस्त 95 को स्थापना किया गया, किसका? झारखंड स्वशासी परिषद, जिसका एक अन्य नाम था जैक झारखंड। तो छात्रगण, इस कड़ी में बाद में सन 2000 को जब राबड़ी देवी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट अल्प में थी, मतलब अल्पसंख्यक में थी, वो पूर्ण बहुमत नहीं थी, तो कांग्रेस ने इस शर्त समर्थन देना प्रारंभ किया कि आपका समर्थन मैं तभी करूंगा जब अलग झारखंड राज्य निर्माण का आप बिल पेश करेंगे। इस संदर्भ में 25 अप्रैल सन 2000 को पृथक झारखंड राज विधेयक बिहार विधानसभा से स्वीकृत कर दिया गया। और स्वीकृत कर दिया गया तो 2 अगस्त को लोकसभा से और 11 अगस्त को राज्यसभा से भी इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात 25 अगस्त सन 2000 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। और बाद में हस्ताक्षर तो कर दिया गया, परंतु अलग राज निर्माण का जो तिथि निर्धारित की गई थी वो था बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर सन 2000 को। अब झारखंड एक अलग राज निर्माण, अलग राज के रूप में भारत में अस्तित्व में आया, नक्शे पर आया, जिसको पूरा होने में
90 वर्ष का समय लग गया, जो भारत के इतिहास में किसी अलग राज्य निर्माण में इतनी बड़ी आंदोलन थी। तो छात्रगण, मैं आपको अभी एक लेक्चर के माध्यम से झारखंड राज्य आंदोलन के बारे में समझाने का प्रयास किया। छात्रगण, अब इसी नोट्स को मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथि, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम बताया, ताकि आप जब आप नोट्स लिखना प्रारंभ करेंगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर की हमारी बातें याद आएगी और आपको लेक्चर को लिखने में सुविधा होगी। छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन को, नोट्स को लेकर हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।